हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ज्ञानम। हाँ जी, जैसे कि आईबीपीएस प्रीलियम के एग्जाम हो रहे हैं, देखते हैं कि किस टाइप का पेपर आया है ना, और कैसा लेवल था। सबसे पहले जो पेपर है वो इजी टू मॉडरेट लेवल है। आईबीपीएस क्लर्क में जो गुड अटेम्प्ट है वो आपका 71-80 के बीच में अगर अटेम्प्ट जा रहा है, दैट इज गुड वन। ठीक है जी। इसके बाद इंग्लिश सेक्शन के लिए गुड अटेम्प्ट कितना है और क्या लेवल था। अगर आपका 22, 23, 24, 25, 21 तक अटेम्प्ट जा रहा है, दैट इज गुड। इंपॉर्टेंट क्या है, जितना अटेम्प्ट करो वो एक्यूरेसी के साथ करो। और जो इंग्लिश का लेवल था, दैट इज इजी टू मॉडरेट। ये नहीं कह सकते कि डिफिकल्ट था, ये नहीं कह सकते कि बहुत ही आसान था। ठीक है। रीजनिंग के लिए अगर आपका 25, 26, 29 तक का अटेम्प्ट जा रहा है, दैट इज गुड। जो रीजनिंग थी वो ठीक लेवल था, और रीजनिंग में जो आया उसमें सेटिंग पजल ज्यादा आई। ठीक है। और अप्रोक्स कह सकते हो कि 20 मार्क्स के सेटिंग पजल आए हैं, है ना। इसके साथ साथ क्वांट्स का लेवल क्या था, 25-26 क्वांट्स में गुड अटेम्प्ट है, बस एक ही चीज है कि नेगेटिव मार्किंग ना हो जाए आपकी। ठीक है। तो ओवरऑल लेवल ठीक था, ना तो बहुत ज्यादा आसान था ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, इजी टू मॉडरेट के बीच में है। सबसे पहले आते हैं हम क्वांट्स पे। क्वांट्स में क्या क्या आया, डीआईआई बिल्कुल आई, डीआई में लाइन ग्राफ आया और 5 क्वेश्चन आए, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन, और क्या चाहिए, सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन आ गए, तो सीधे सीधे 15 नंबर तो हमारी पॉकेट में थे, है ना। उसके बाद मिसिंग नंबर सीरीज, है ना, 5 क्वेश्चन ये हमें पता ही था आने होते हैं। अरिथमेटिक में स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो 10 क्वेश्चन आए, तो मोटे मोटे जो हम नंबर बना सकते थे, एक तो 15 नंबर का ये, 5 नंबर का ये, 20 नंबर तो कहीं नहीं गए। उसके बाद जो ये 15 नंबर का अपना पेपर है, यहां से हम क्या कर सकते थे, जो आसान लग रहा है उसको अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है। टोटल मार्क्स कितने रहते हैं क्वांट्स के, 35 रहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देख के पता चल रहा है कि स्क्वेयर्स पे है। ठीक है जी। हाँ जी, ये हमारे पास सीरीज है जो मिसिंग सीरीज आई थी। इसके बाद आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग स्कोरिंग रहती है। रीजनिंग में सिटिंग पजल के अप्रोक्स 19 क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट लेवल था। साइलोजिज्म बहुत ही आसान, 3 नंबर का। इन क्वालिटीज 4 नंबर की। मीनिंगफुल वर्ड बनाना 1 नंबर। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 5 नंबर के क्वेश्चन थे। ऑड वन आउट, ब्लड रिलेशनशिप, टोटल 35 नंबर का पेपर है ना। नेक्स्ट क्या है, इंग्लिश कैसा लेवल था, आसान भी था, इजी टू मॉडरेट भी था। ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अप्रोक्स 9 नंबर। क्लोज टेस्ट 5-6 नंबर। वर्ड यूसेज 1 नंबर। सेंटेंस रीअरेंजमेंट 4 नंबर। सेंटेंस इंप्रूवमेंट 5 नंबर। स्पेलिंग 5 नंबर। ठीक है। ओवरऑल लेवल देखा जाए, इजी टू मॉडरेट। इसी तरीके से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।